इलाहाबाद से लगभग 22 किलोमीटर दूर ये घूरपुर का क्षेत्र है। यहाँ पर 60 से 80% लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। ये लगभग सारे लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं। इन लोगों के हालात कैसे हैं, ये मजदूर किस तरीके से काम करते हैं, ये जानने के लिए मैं लोगों के बीच में गया। आप बीड़ी बनाती हैं? हाँ, 1400 से बाबा दिन भर बनाई थी। 4 गाय बनाई थी, समझला 10-15 रुपए के काम था। 15 रुपए? सरकार की तरफ से कोई सुविधा आपको मिलती है? नहीं, कुछ नहीं। तो जिंदगी कैसे चलती है आपकी? अब जिंदगी यही चला थी कि ये 10-20-50 के वो काम कर रहे हैं। हाँ, 10-15 रुपए काम है तो जैसे चला था, मान लो कमाई लोग जाने थे। बीड़ी बनाने में कितना पैसा मिलता है आपको? 40 रुपए मिलता है। 40 रुपए में कितनी बीड़ी बनाते हैं? 1000 का 40 रुपए। 1000 बीड़ी कितनी देर में बनती है आपकी? 1000 बीड़ी बनती है, शाम भर में बनेगी। एक दिन में? सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिलती है आपको? सरकार की तरफ से क्या मिलती है? कुछ नहीं। आपको मालूम है सरकार ने आपकी मजदूरी कितनी रखी है? नहीं, हमको नहीं मालूम। कभी जानने की कोशिश किया आपने? पढ़े लिखे नहीं है, क्या जानने की कोशिश कर, जो मिला उसे में गुजर बसर कर रहे हैं। सरकारी रेट इस समय मजदूरी क्या कहते हैं, लगभग 70-75 रुपए है। 75 रुपए? सैकड़ा? हाँ, हजार। हजार तो बीड़ी मजदूर ये है 14 घंटे काम करता है और उसको केवल जो है 20 रुपए या 15 रुपए से ज्यादा उसको दिहाड़ी नहीं बन रही है। तो कभी इसके खिलाफ बोलते नहीं है, लड़ते नहीं है ठेकेदारों से? कहा जाता है तो कहा कि ये दे बीड़ी है। अच्छा, इसलिए निकाल देते हैं। सरकार की ढेर सारी योजनाएं, लेकिन वो योजनाएं इनके तक पहुंच ही नहीं पाती। केंद्र सरकार की एक योजना कार्ड की, वो कार्ड बनवाने के लिए इनको घूस देना पड़ता है, 250 रुपये लेकर के 500 रुपये या उससे कहें या कहें जो जितना दे दे। इस कार्ड बनने के लाभ क्या है? इस कार्ड बनने के लाभ ये हैं कि उनको आवास मिलता है इसी कार्ड के जरिए, और क्या कहते हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है इस कार्ड के जरिए, इस कार्ड के जरिए क्या कहते हैं उनको दवा की सुविधा होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस दोनों गांव में सिर्फ एक आदमी के पास वो कार्ड है और किसी के पास वो कार्ड बना ही नहीं है, क्योंकि कार्ड बन जाएगा तो बीड़ी मालिकों को वो सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो अभी आपकी लड़ाई सरकार के साथ क्या है? हमारी सरकार की लड़ाई यही है कि जो श्रम कानून के अंतर्गत मजदूरों को जो कानून बनते हैं वो अपने अधिकारियों को मतलब कि कंट्रोल करके सारी चीजें जो है गरीबों के लिए जो बनाई गई हैं वो मुहैया हो। एक आंखी एकदम खराब हो गई है। एक आंखी हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपने यहाँ से जिस भी तरीके से इस सरकार तक चिट्ठियों के माध्यम से या उनकी वेबसाइट पे लिख करके इनकी बातों को वहां तक पहुंचाएं और इनके समर्थन पर खड़े हों। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ड के लिए इलाहाबाद से।